नमस्कार, आशाबा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चेतना चौधरी। चलो रुक करते खास खबरों की ओर। बिहार के जहानाबाद के हुलासगंज मखदुमपुर स्थित धराउत रेहटा मखदुमपुर में गरीब संपर्क यात्रा के दौरान पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने कहा कि देश में किसान बिजली बिल से परेशान हैं। उद्योगपतियों को तरह तरह का आर्थिक लाभ मिलता है, लेकिन देश की रीढ़ किसानों को कोई राहत नहीं मिलती है। इसलिए देश और राज्य में किसानों को बिजली मुक्त मिलनी चाहिए। गरीब संपर्क यात्रा के तीसरे दिन जहानाबाद के हुलासगंज मखदुमपुर स्थित धराउट रेहटा मखदुमपुर में जनसभा के दौरान बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हम के संरक्षक जीतन राम मांझी ने यह मांग रखी। उन्होंने कहा कि जब मैं सीएम था तो फैसला किया था कि गरीब लोगों को एक एकड़ जमीन खेती के लिए दी जाएगी। इस पर अभी तक अमल नहीं हो पाया है। मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक इस मुद्दे को लेकर जाऊंगा। हिंदुस्तान आवाम मोर्चा का गरीब संपर्क यात्रा के तीसरे दिन की शुरुआत मंगलवार को जहानाबाद के हुलासगंज में सुबह 9:30 बजे से शुरू हुई। उसके बाद जिले के विभिन्न जगहों हुलासगंज में नुक्कड़ सभा, सुकियामा पुल के पास, बौरी हाई स्कूल के पास, बंसी बीघा पुल के पास, बिशुनगंज में और धराउट फील्ड में नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान उन्होंने यह मांग की कि श्री कृष्ण सिंह, दशरथ मांझी और कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया जाए। हमारे अम्बेडकर साहब हैं, अब नाम किसी दूसरे का हो हम लोगों को बर्दाश्त करना की बात है, इसलिए इस पर भी सतर्क रहना है। और दूसरा चीज है कि हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह हो या हमारे कर्पूरी ठाकुर जी हो या पर्वत पुरुष दशरथ मांझी हो, सबको भारत रत्न की उपाधि मिलनी चाहिए। इसके लिए भी हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और आगे बढ़ेंगे। और आप लोगों से अनुरोध है कि 26 तारीख को गांधी मैदान में महती सभा होगी, उसमें विशेष बातें हम लोग कहेंगे। आज सिर्फ जन संपर्क है, अपनी समस्याओं को लिपिबद्ध कर लेंगे। जमीन जहां नहीं मिली है या मिली है तो कब्जा में नहीं है, जहां केस हुआ है मदन का उसका मुआवजा नहीं मिला है, जहां बलात्कार का मामला हुआ है वहां पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। एक लिख करके दरखास्त में लोग रखिएगा और 26 तारीख को गया में दीजिएगा, सबका निराकरण माननीय मुख्यमंत्री से कह करके करवाएंगे। यही बात कह करके विद्यार्थियों के हित में हम लोग अपनी बात को जल्दी। उन्होंने आम लोगों से अपील की अगले चुनाव में उन्हें ही वोट दें जो कॉमन स्कूल प्रणाली पर चुनाव लड़े। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जातियों के आरक्षण को खत्म करने की साजिश चल रही है। अनुसूचित जातियों की आबादी काफी ज्यादा बढ़ गई है, जबकि आरक्षण अभी भी 15% है। अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण की इस सीमा को बढ़ाया जाए। जनसभा को संबोधित करते हुए श्री मांझी ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार ने राज्य में अच्छा काम किया है, लेकिन कुछ काम अभी भी अधूरा है। जिला अध्यक्ष हैं पार्टी के, उनका जो प्रबंधन आज है, आज बागे में बहुत ही उम्दा है। और जितना गाड़ियों का काफिला और लोगों का हुजूम हम लोग को देखने के लिए, सुनने के लिए, हम लोग का स्वागत करने के लिए उमड़ पड़ा है, इनके लिए उसके लिए इनको धन्यवाद। आज इस धराउत की सभा में हमारे प्रखंड अध्यक्ष श्री अखिलेश दांगी जी और इस अवसर पर यहाँ पर उपस्थित। साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना है, बाकी की खास खबरों के लिए आप देखते रहिए वैश्य पान न्यूज। नमस्कार।